सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2020 के बारे में। जी हाँ, जो कि इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं उन पांच बड़े खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आईपीएल 2020 के लिए अपने टीम से रिलीज कर देगी, यानी कि कर देगी अपनी टीम से बाहर आईपीएल 2020 में। और ये पांच के पांच बड़े खिलाड़ी जाएंगे आईपीएल 2020 के ऑक्शन में, यानी कि नीलामी में जाएंगे। तो गाइज, वो कौन से पांच बड़े खिलाड़ी हैं हैदराबाद की टीम की तरफ से जिन्हें आईपीएल 2020 के लिए अपनी टीम से रिलीज कर देगी हैदराबाद की टीम। दोस्तों पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैदराबाद के एक तगड़े वाले फैन है, आईपीएल के फैन है, तो कर दीजिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक। वह इस वीडियो के स्पॉन्सर क्या है, नोस्ट्रा प्रो ऐप ने, जो कि कमाल का ऐप है पावर्ड बाय पेटीएम। आप सभी लोग बड़े ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ इसी सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी यह मैच, कौन सी टीम हारेगी यह मैच और कौन सी टीम कितना ज्यादा रन स्कोर करेगी। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं उन पांच बड़े खिलाड़ियों के बारे में जिनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से हैदराबाद की टीम उन्हें अपने टीम से बाहर कर देगी। तो यहां पर नंबर एक पर नाम आता है दीपक हुड्डा का, जो कि हैदराबाद की टीम में एज अ फिनिशर के तौर पर खेलते हैं। लेकिन आईपीएल 2019 का इनका यह सीजन काफी खराब गया है, जो कि आईपीएल 2019 में 11 मैच खेले थे और इन 11 मैचों में सिर्फ 64 रन ही बना पाए अपने बल्ले से। तो वहीं आईपीएल 2018 में भी इन्हें कई मौके मिले थे, लेकिन ये कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए थे अपने बल्ले से। ऐसे में ये कन्फर्म है कि आईपीएल 2020 के लिए हैदराबाद की टीम इन्हें अपनी टीम से रिलीज कर देगी और इनकी जगह पर किसी दूसरे फिनिशर को टीम में शामिल करेगी। अब अगर हम बात की नंबर दो की, तो नंबर दो पर नाम आता है बिली स्टेन लेक का। जी हाँ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक जबरदस्त तेज गेंदबाज हैं, लेकिन आईपीएल 2019 में इन्हें एक भी मैच में नहीं खिलाया गया था। ऐसे में साफ जाहिर है कि हैदराबाद की टीम इन पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं जता रही है। तो वहीं आईपीएल 2018 में 4 मैच खेले थे और इन 4 मैचों में 5 विकेट तो छटका दिए थे, लेकिन काफी महंगे साबित हुए थे। ऐसे में साफ जाहिर है कि बिली स्टेनलेक को भी आईपीएल 2020 के लिए हैदराबाद की टीम अपने टीम से रिलीज कर सकती है और इनकी जगह पर किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम में शामिल कर सकती है, जो कि जबरदस्त तेज गेंदबाज को। अब अगर हम बात करें नंबर तीन की, तो नंबर तीन पर नाम आता है बसिल थम्पी का। जी हाँ, जो कि एक जबरदस्त यंग प्लेयर है, काफी जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आईपीएल 2019 का इनका यह सीजन काफी खराब गया है। तो वहीं आईपीएल 2018 में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे हैदराबाद के लिए, जो कि आईपीएल 2019 में इन्हें 3 मैचों में मौका मिला था और इन 3 मैचों में काफी ज्यादा महंगे साबित हुए थे। तो वहीं एक भी विकेट नहीं छटका पाए थे अपनी गेंद से। ऐसे में आईपीएल 2020 के लिए इन्हें अपनी टीम से रिलीज कर सकती है हैदराबाद की टीम और इनकी जगह पर किसी दूसरे तेज गेंदबाज को शामिल कर सकती है। अब अगर हम बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर नाम आता है यूसुफ पठान का। जी हां, जो कि आईपीएल 2019 में इनका भी सीजन काफी खराब गया है। तो वहीं आईपीएल 2018 में भी कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए थे अपने बल्ले से, जो कि आईपीएल 2019 में इन्हें 10 मैचों में खिलाया गया था और इन 10 मैचों में सिर्फ 40 रन ही बना पाए थे अपने बल्ले से। ऐसे में ये लगभग तय है कि यूसुफ पठान को भी आईपीएल 2020 के लिए हैदराबाद की टीम अपने टीम से रिलीज कर देगी और इनकी जगह पर किसी जबरदस्त दूसरे खिलाड़ी को टीम में शामिल करेगी, जो काफी शानदार फॉर्म में चल रहा हो। वहीं अगर हम बात की नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर नाम आता है रिकी भोवी का, जो कि एक जबरदस्त यंग प्लेयर है, लेकिन आईपीएल 2018 में इन्हें सिर्फ 1 मैच में खिलाया गया था और 1 मैच में इनकी बैटिंग भी नहीं आई थी। तो वहीं आईपीएल 2019 में भी इन्हें सिर्फ 1 ही मैच में खिलाया गया था और उस मैच में सिर्फ 7 रन ही बना पाए थे अपने बल्ले से। ऐसे में साफ जाहिर है कि हैदराबाद की टीम इन पर भी ज्यादा भरोसा नहीं जता रही है और आईपीएल 2020 के लिए इन्हें भी अपनी टीम से रिलीज कर सकती है हैदराबाद की टीम। तो गाइस, ये वो पांच बड़े नाम जिन्हें हैदराबाद की टीम आईपीएल 2020 के लिए अपने टीम से रिलीज कर सकती है, यानी कि अपने टीम से बाहर कर सकती है और इन पांच बड़े खिलाड़ियों को आईपीएल 2019 के ऑक्शन में जाना पड़ेगा। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपके हिसाब से वो कौन से बड़े खिलाड़ी होने चाहिए जिन्हें हैदराबाद की टीम अपने टीम से रिलीज कर दे आईपीएल 2020 के लिए एक जबरदस्त मजबूत और बैलेंस टीम बनाने के लिए, कमेंट करके अपने विचार अपने राय जरूर दें। वहीं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें आपको मिलने वाली हर एक न्यूज सबसे पहले।